कि अब समय आ गया है कि हम अपनी आवाज बुलंद करें, क्योंकि किस तरह से हम अलग अलग तरीके से जब अपनी बात हम कहते हैं तो उसमें कोई दम नहीं होता, उसमें कोई ताकत नहीं होती, उसमें शक्ति नहीं। लेकिन यही जब हम सब मिलकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और देश की जनता को, देश की जो वर्तमान परिस्थिति है, जो हालात, उसकी जानकारी देंगे, तो यकीनन आने वाले समय में हालात बदलेंगे। हम उनमें नहीं है जो मायूसी के शिकार है। मेरा यह मानना है कि अगर सच्चे दिल से अगर कोशिश की जाए, प्रयास किया जाए, तो तस्वीर बदल सकती है, चित्र बदल सकता है। जो विषय है, सही मानों में उसकी रक्षा करने के लिए हम सब यहां जमा हुए हैं। जो विरासत है, साझी विरासत, इसके बारे में यहां लोगों ने बताया, आजादी से लेकर अब तक जिसकी हम हिफाजत कर रहे हैं, जिसको बचाकर रखना चाहते हैं, आज उस पर अलग अलग ढंग से उस पर हमले हो रहे हैं, उसको समाप्त करने की कोशिश हो रही है, और इसी कौम को बचाना है। कोई भी देश, कोई भी कौम वो जिंदा नहीं रह सकती ज्यादा दिनों तक अगर उसकी विरासत बची नहीं है। विरासत बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश के अंदर जो माहौल है, हम सब रोजाना अखबारों में भी पढ़ते हैं और अपनी आंखों से भी देखते कि किस तरह से लोगों को डरा कर, भय पैदा करके इस मुल्क को चलाने की कोशिश हो रही है। समाज का अगर कोई भी वर्ग, कोई भी समूह अगर देश की मुख्य धारा से उसको अलग थलग कर दिया जाए, तो क्या ये देश आगे बढ़ सकता है? क्या हम उन्नति कर सकते हैं? क्या हमारी जो बुनियादी समस्याएं उसका निदान हम कर सकते हैं? समाज को लेकर चलना, हमारे पूर्वजों ने, हमारे जंग आजादी के रहनुमाओं ने हमें वही रास्ता दिया है। अंग्रेज जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज कभी नहीं डूबता, उस अंग्रेज, उस ब्रिटिश हुकूमत को अगर हमने यहां से जाने पर मजबूर किया, तो इसलिए कि हम एक थे, हम सब मिलकर लड़ाई जिस दिन हम बैठ जाएंगे, फिर हमारी ताकत कमजोर हो जाएगी और फिर क्या हमारा अवसर होगा, क्या इतिहास बनेगा, नहीं कर। इसलिए मैं समझता हूं कि ये समय है। आज जो लोग सत्ता में हैं वो बहुत चतुर लोग। 2014 में लोकसभा में जनता के सामने जो भी उन्होंने वादा किया, उनको एक मिनट नहीं लगा ये कहने में वो तो जुमलेबाजी थी। सारे वादों को जुमलेबाजी में तब्दील कर दिया। आज भी हमारे प्रधानमंत्री नारा देने में कोई उनका मुकाबला नहीं रह सकता। जब भी वो भाषण के लिए खड़े होते हैं, लाल किला पर हो या कहीं भी हो, तो एक नया नारा दे देते, एक नई बात कह देते, और हमारे देश के लोग कभी कभी उस छलावे में आ जाते। लेकिन अब समय आ गया तो हम सब लोगों को देखना होगा, सोचना होगा, हमारे देश की जो विरासत है उसको बचाना है। संविधान के ऊपर हमले हो गए, हमारी परंपराओं पर हमले हो गए, हमारे संस्कार और संस्कृति पर हमले हो गए, हमारी तहजीब और तबीयत पर।
अंतिम मैं शरद जी को बधाई देगा। उन्होंने फिर एक बार संघर्ष का रास्ता अपनाया। वो चाहते तो उन लोगों के साथ मिलकर ऐश और मौत की जिंदगी गुजार सकते, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया और इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई मिल गया था। शरद जी का जीवन संघर्षशील रहा है। जब जब किसी भी प्रकार की चुनौती आई है तो वो उस पर खड़े निकले। आज फिर उनको उन्होंने फिर बहुत ही कठिन फैसला लिया है, क्योंकि ऐसा लोगों ने कहा हर कोई सत्ता चाहता है, हर कोई हुकूमत चाहता है, लेकिन सत्ता छोड़कर आने वाले बहुत सारे लोग हैं। बहुत अच्छी शुरुआत है और तमाम यहां पर हमारे राष्ट्रीय नेता सब बैठे हैं, अलग अलग दलों के अलग अलग पार्टियों के। अगर हम सब एक हो जाए तो मुझे विश्वास है कि आने वाला समय हमारा होगा और इस देश के लोगों का होगा, किसानों का होगा, मजदूरों का होगा, नौजवानों का होगा, ना कि गुटों का होगा। देश को तोड़ने में लगे, देश को बिखेरने में लगे, घृणा और नफरत की राजनीति देश में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सामना करना है। हम सबको एक साथ मुस्कुराना पड़ेगा, तभी जाकर उनका मुकाबला कर सकते। इन शब्दों के साथ मैं आप सबके बहुत ही आभार प्रकट करते हुए अपनी बात यह